मध्य प्रदेश राजकारण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ट्वीट बाद गरमावो आव्यो छे। प्रियंका गांधी ट्वीट पर भाजपे कांग्रेस ने घेरी छे। कांग्रेस पर आरोप लगावता भाजपे कह्युं छे कि आ नकली चिट्ठी दम पर मध्य प्रदेश की सरकार ने बदनाम करने षड्यंत्र छे। आ मामले एफआईआर पण थशे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चूंटणीओ नजीक आवी रही छे त्यारे भाजप अने कांग्रेस वच्चे आरोप प्रत्यारोप वच्चे कांग्रेसना महासचिव प्रियंका गांधी वड्राए ट्वीट कर्युं छे। तेमणे ट्वीटमां जणाव्युं छे कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारोना संगठने हाईकोर्टना मुख्य न्यायाधीशने पत्र लखीने फरियाद करी छे। राज्यमां 50% कमीशन आपवा पर ज चुकवणी थाय छे। कांग्रेसना नेता प्रियंका गांधीए कह्युं छे कि कर्नाटकमां भ्रष्ट भाजप सरकार 40% कमीशननी वसूली करती हती। मध्य प्रदेश में भाजप भ्रष्टाचारनो પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડીને આગળ નીકળી ગઈ છે। તેમણે લખ્યું છે કે કર્ણાટકની જનતાને 40% કમિશનવાળી સરકારને બહાર કરી હવે મધ્યપ્રદેશની જનતા 50% કમિશનવાળી ભાજપ સરકારને હટાવશે। હજારો મામલે હૈ, કિન કિન પર કેસ કરેગી બીજેપી? અબ જબ ખુલાસા હો રહા હૈ પૂરે પ્રદેશ મેં ભ્રષ્ટાચાર કા, તો ઇનકે પાસ ઉપાય ક્યા બચા? देखिए फर्जी हो सही हो ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। भाजपे पलटवार करता कहू छे कि नकली चिट्ठी ना दम पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बदनाम करने षड्यंत्र थई रह्यु छे। भाजपे कहू छे कि प्रियंका गांधी वाड्रा विरुद्ध इंदौर सहित भोपाल अने जबलपुर में फरियाद कराशे। ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया, मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर जाता, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। महत्वपूर्ण छे के शुक्रवार वायरल थयेली चिट्ठी में आरोप लगावायो छे के ठेकेदारों पासेथी 50% कमीशन मंगाई रह्यु छे। ब्यूरो रिपोर्ट,